वीडियो में मेनली एम्फेसाइज करूंगा फैट ग्राफ्टिंग पे कि फैट ग्राफ्टिंग क्या होता है और फैट ग्राफ्टिंग हम कहां कहां पे करा सकते हैं और फैट ग्राफ्टिंग के क्या फायदा है क्या नुकसान है। देखिए फैट ग्राफ्टिंग जो एक चीज है उसका मतलब है कि आपकी बॉडी से फैट लेना या हिंदी में बोला जाए तो चर्बी लेना और कोई भी एरिया में डाल देना जिसमें अगर हमको साइज को इंक्रीज करना है। अब वो पूरी बॉडी में बहुत सारे एरिया हो सकते हैं जहां पे हम लोग फैट मतलब डाल सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके ऊपर से नीचे तक सारे एरियाज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आते हैं फेस पे। फेस का जो मोस्ट कॉमन एरिया है फैट ग्राफ्टिंग का वो है अंडर आइज। जब हम अंडर आइज पे मतलब फैट डालते हैं तो जो यहाँ पे जिसकी के मतलब टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी है, गड्ढे हैं, कालापन है, तो वो बेटर हो जाता है। इसके बाद किसी किसी को यहाँ पे अपना हाईलाइट करवाना होता है जिसको मैलर प्रोमिनेंस बोलते हैं, उसको भी हाईलाइट करवा के हम फैट डाल के उसको और अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसको नेसोलेबियल फोल्ड्स बोलते हैं जिसको स्माइल लाइंस बोलते हैं, तो स्माइल लाइंस में भी अगर हम डालते हैं तो वो वाले गड्ढे भी कम हो सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मैरियोनेट लाइन बोलते हैं जिसको भी हम कम कर सकते मतलब गड्ढों को कम कर सकते हैं और फेस को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के एक्ने स्कार्स होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे वाला चेहरा होता है, उसमें भी जो फैट ग्राफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किसी किसी का क्या होता है कि कोई साइड में थोड़ा अंदर डिप्रेस होता है, कोई साइड ज़्यादा होता है, कुछ कुछ बीमारियाँ हैं ऐसी जिसको हेमी फेशियल माइक्रोजोमिया बोलते हैं या रोमबर्ग्स डिजीज़ बोलते हैं, तो कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें एक साइड फेस छोटा हो जाता है एक साइड फेस बड़ा हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट में भी फैट ग्राफ्टिंग आता है कि उस जो साइड कम है उस साइड हम ज़्यादा फैट डालते हैं। तो ये जो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर्स हैं फेस के लिए, ये सब फेस को इन्हांस करने के लिए होता है जिससे जो छोटे छोटे फीचर्स हैं फेस के वो और अच्छे लगे और सिमेट्रिकल लगे। इसके बाद जो अगला मोस्ट कॉमन फैट ग्राफ्टिंग है वो है ब्रेस्ट में। जैसे गर्ल्स को अपने ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करवाना है उसके लिए फैट ग्राफ्टिंग बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। एक तो इम्प्लांट होते हैं, एक फैट होता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करेक्शन करना है तो हम फैट ग्राफ्टिंग करा सकते हैं जिसका ब्यूटीफुल रिजल्ट है। एक बारी में हम 300-400 cc मतलब हम लोग डालते हैं जिससे जब आपका वो एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है फिर भी रिजल्ट अच्छा आता है। इसके बाद जो अगला मतलब मोस्ट कॉमन है मतलब वो है बटक, जिसको बोलते हैं ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट। बटक में भी जब हम लोग फैट डालते हैं तो वे साइज़ को इंक्रीज करता है। जैसे किसी के अगर हिप डिप्स हैं मतलब साइड में फ्लैटनेस है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर पीछे से फ्लैटनेस है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हिप को एक शेप देने के लिए जिससे आपकी फिगर अच्छी लगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज हैं, कुछ कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी हैं, मेल का पेनिस साइज इंक्रीज़ करने के में भी करते हैं, फीमेल का लेबिया माइनोरा को मतलब इंक्रीज़ करने में करते हैं जिसमें मतलब साइज़ है वो और अच्छा हो जाए, जिसमें आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। और भी बहुत एरियाज हैं, मतलब आपके अगर बॉडी में कहीं पर डिप्रेशन है, जैसे कोई आपकी अगर चोट लगी है वहाँ पर कोई स्कार अंदर दब गया है तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। कोई आपका कोई अगर पहले का फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर कोई आपका ना डिप्रेशन आ गया है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई आपका अगर एब्डोमिन में स्कार है, कहीं पर निशान है जहाँ पे गड्ढे हैं, वहाँ पे भी फैट डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट कोई भी अगर आपकी बॉडी में गड्ढा है, कोई भी बॉडी में शॉर्टकमिंग्स है, उसको हम इंक्रीज करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं थ्रू फैट। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए। एडवांटेजेस क्या है कि ऑब्वियसली जो भी गड्ढा है वो मतलब जो ना भर जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि जो फैट होता है वो आपके बॉडी में थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल अराउंड 40% के करीब हमारा फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब हम लोग 300 cc डालते हैं तो उसका 40% एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब फेस पे सपोज 20 cc डालते हैं तो उसका भी 40% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए शुरू में हमको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है जिससे अगर थोड़ा बहुत फैट एब्जॉर्ब हो भी तो भी इतना फैट रहे कि हमारा रिजल्ट दिखता रहे, तो इसी को ही फैट ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इतना ही डिसएडवांटेज है इसका। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ है, आप ही की बॉडी से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है फैट ग्राफ्टिंग की तो आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी और वीडियोज़ भी हैं जिसमें हम लोग फैट ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे कैसे करते हैं, या और कुछ भी है मतलब कॉस्ट रिलेटेड वीडियोज़ भी आएंगी, वो आप हमारे चैनल पर लॉग इन करें। थैंक यू वेरी मच।